बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शुक्रिया। तो आज जो है मुझे इस टाइम में कोई काम नहीं है, इस टाइम मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ी देर जो है घर से बाहर जाया जाए। मैं और शेरू जाएंगे, हम यानी कि मेरा बकरा, उसे प्यार से जो है मैं शेरू ही कहता हूँ, नाम रखा हुआ उसके शेरू। तो सबसे पहले जो है मैं उन्हें चारा दे लेता हूँ उनके। मेरे कमरे की हालत भी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। अभी न्यू मकान बनाए हैं, लेकिन यह है कि ये देख रहे हैं सारा सामान जितना भी है मेरे रूम में पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जो है मैं बकरियों को बाहर निकाल के उन्हें घास डाल देता हूँ। जी यहाँ पे हम इनको मैं खोल लेता हूँ, अंदर आएंगे। ये रहे जी, ये है जी मेरा शेरू माशाल्लाह, बाहर निकाल के दिखाता हूँ आप। तो ये है जी माशाल्लाह मेरा शेरू, ये अगली कुर्बानी के लिए माशाल्लाह से अभी तैयार हो रहा है। ये 4 मंथ का हो गया मेरे ख्याल में, जी 4 मंथ का ही हो गया माशाल्लाह। तो काफ़ी अच्छे ये हाइट कर रहा है माशाल्लाह। तो आज इसके साथ जो है हम बाहर शहर के लिए जाएंगे। अम्मी आज काम करके काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने कहा कि आप रहने दें, आप थकी हुई हैं तो सब्ज़ी मैं बना देता हूँ। तो चलें आज हम वैसे कद्दू बना रहे हैं, कद्दू दाल बनानी थी, लेकिन ये कि अब्बू की वजह से वो दाल को जो है ज़्यादा लाइक नहीं करते, तो हम अकेले कद्दू उसका ही आज सालन बनाएंगे। तो मैं काट के दे देता हूँ, उसके बाद चलते हैं इंशाल्लाह बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह सब्जी मैंने काट ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये छिलके हैं मैं इन्हें डाल देता हूँ बकरियों को, तो चलते हैं इंशाल्लाह फिर बाहर। ये लो चौधरी साहेब, शेरू साहेब जी, ये हमने डाल दिए बकरियों को, ये खा लेते हैं तो हम चलते हैं बाहर इंशाल्लाह। जी तो दोस्तों मैं आ गया हूँ बाहर, शेरू मेरे साथ है, ये देखें जी ये रहा। तो हम आए हैं बाहर थोड़ा घूमने, ये भी कर रहा है कि काफ़ी उदास हो जाता है, तो मैंने सोचा कि ना आज इसकी भी सैर करवा दी जाए, तो इसको भी मैं आज साथ ले आया हूँ। तो उम्मीद है कि आज इसकी भी सैर अच्छी होगी। तो अपने पहले चौधरी को भी मैं जो है इसी साइड पे लेके आया करता था, इसी सड़क के ऊपर, यहाँ आगे जो है नहर है उसके पास जाके हम बैठ जाया करते थे यार। वो भी थोड़ा सांस ले लेता था और मैं भी थोड़ा सांस ले लेता था, और वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, वो ब्लैक कलर का था, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी फ़िलहाल ये मुझे फॉलो कर रहा है, खड़ा नहीं हो रहा है, मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है। तो आगे जाते पहले नहर पर, उसके बाद जो है वापस आएँगे नहर पे जाके, जो है इसका भी थोड़ा रेस्ट हो जाएगा और मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँगा। तो शेरू के साथ लगाते हैं थोड़ी सी रेस, देखते हैं कि ये जीता है या मैं जीता हूँ, तो भागते हैं फिर। मेरे साथ ही भाग रहा है जी। ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है वैसे। तो यहाँ से जो है थोड़ा सा घास मैं इसके लिए ले लेता हूँ, ताकि ये वहाँ पे जाके जो खा सके। तो मैं यहाँ से इसे ले लेता हूँ घास को। चलें जी, ये कह रहे हैं लेके नहीं जाना, यहीं पे खाना है। चलें जी, ये तो यहीं पे खाना शुरू हो गया, लेकिन नहीं मुझे उठना होगा। तो ये जी दो व्यूज़ एक साथ हैं, एक तरफ है सूरज और दूसरी तरफ है चांद, और सूरज का भी नज़ारा जो है काफ़ी प्यारा है, ग्रुप हो रहा है ये, काफ़ी प्यारा है माशाल्लाह से। और दूसरी तरफ है जी ये चांद, ये भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, ये देखें जी। ये जी हम पहुंच चुके हैं नहर के पास, ये जी पहुँच गए हम, पानी भी काफ़ी ज़्यादा है आज, मैं तो भाई थक गया हूँ, मैं तो बैठने लगा हूँ यहाँ पे, यहीं पे आके मैं जो है अक्सर बैठता हूँ, यहाँ इस जगह घास पे बैठ जाता हूँ, देख लेता हूँ कुछ चीज़ तो नहीं है यहाँ पे, नहीं ठीक है ये। तो ये रहे जी चौधरी के पट्ठे, मतलब
चौधरी का चारा, ये रही जी नहर, और ये रहा हमारा शेरू। पहले तीन बकरे आए हैं जी, तीनों का नाम मैंने शेरू रखा था इसलिए, सॉरी चौधरी रखा था इसलिए बार बार जो ऐसे चौधरी मुंह से निकल जाता है, लेकिन ये है जी हमारा शेरू माशाल्लाह। अभी 4 मंथ का हो गया ये। तो अक्सर आपने देखा होगा ड्रामास में, मूवीज़ में, के हीरो जो होते हैं उनको जब भी कोई मुश्किल पेश आती है या वो कुछ सैड होते हैं तो वो अपने किसी एक मखसूस जगह पे जाते हैं, ठीक है। जिस तरह अर्तुगरुल में वो एक दरख्त के पास जाता था, तो मैंने भी इस जगह को जो है अपना, इस जगह के साथ अपना एक ख़ास रिलेशन रखा हुआ है। ये जगह है जी नहर के ऊपर, इसी जगह पे जो है बैठ के मैं अल्लाह से अपनी तमाम बातें शेयर कर लेता हूँ। तो मेरे ख्याल में आप लोगों के पास भी कोई ऐसी जगह होनी चाहिए। तो यही वो जगह है जहाँ पे आके जो है मैं अपनी सारी दुख दर्द जो है यहीं से निकाल के घर चला जाता हूँ, और जाते वक्त मैं इतना कंफर्टेबल होता हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सोच नहीं सकते। मैं खुद कभी कभी हैरान हो जाता हूँ यार। खैर, मेरा इस जगह के साथ जो रिलेशन है बहुत बहुत ही अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस जगह को दिलो जान से प्यार करता हूँ। तो चौधरी शेर बार बार वही चौधरी निकल जाते हैं मुँह से, ये चारा खा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जैसे थोड़ा सा खा लेता तो हम चले जाते हैं, क्योंकि अजान भी होने वाली है, मगरब की नमाज़ पढ़नी है जाके। पसीना मुझे आ गया, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, हबस बना हुआ है, हवा नहीं चल रही है बिल्कुल भी। बारिशें होती रही हैं, लेकिन ये है कि इसके बारिशों के बाद फिर से मौसम गर्म हो गया हमारी तरफ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा, और अगर कोई मुसलमान बीमार है तो उसे अल्लाह ताला शिफा दे, और अगर कोई मकरूज़ है तो अल्लाह पाक उसका जो है कर्ज़ ख़त्म करे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।